नहीं दबाना। सो आज हम निकल गए हैं नैनीताल से और हम जा रहे हैं अभी कैंची धाम। कैंची धाम नैनीताल से 20 किलोमीटर आगे है। सो कैंची धाम किस लिए प्रसिद्ध है और उसकी क्या मान्यता है? मान्यता बहुत मान्यता है उसकी। सो उसके बारे में आपको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी ना ये रास्ते में एक सेल्फी पॉइंट आया है तो हम यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे लोकेशन भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आई लव नैनीताल, आई लव पहाड़, आई लव नैनीताल। ये है सेल्फी पॉइंट यहाँ का। फोटो खींचने में चार्ज लगेगा, चार्जेबल है फोटो खींचना भी पर पर्सन। ये चार्जेबल है फोटो चार्ज पर पर्सन 20 रुपीज, कपल के 30, विद फैमिली 50, योर फोन फ्रेम चार्ज। वाओ, सो फ्रेंड्स यहाँ पर ना सेल्फी पॉइंट पे हमने बहुत सारी फोटो क्लिक की है और बहुत मस्त वाली फोटोस आई है। और अब हम अभी मैगी खाएंगे, जूस पियेंगे, फिर हम निकलेंगे कैंची धाम की तरफ। वो इतनी फ्रेश नहीं मिलती अपने यहाँ शहर में। फ्रेश है ये, बिल्कुल फ्रेश है। देखो ना, अभी अच्छे से पकी भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, नैनीताल से चलते चलते फाइनली हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं। ये कैंची धाम नैनीताल से लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी पर है। चारों तरफ पहाड़ और हरियाली के बीच में जो आप मंदिर देख रहे हैं, यही है कैंची धाम मंदिर। यही वो मंदिर है जो बाबा नीम करोली धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और आज के लिए मंदिर पूरे भारत में बहुत फेमस हो रहा है और लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको नीम करोली बाबा के मंदिर के दर्शन कराते हैं। और ये यहाँ का मेन गेट है, जैसे सारे श्रद्धालु अंदर जाते हैं और यहाँ से एंट्री लेते ही सीढ़ी आती है, सीढ़ियों के थ्रू हमें मंदिर में जाना है। और एंट्री गेट पे ही ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि मंदिर में अशोभनीय वस्त्र पहन के प्रवेश ना करें और मंदिर में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इस धाम में बाबा नीम करोली जी ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं और जो फेसबुक के ओनर है मार्क जुकरबर्ग, वो भी इनकी भक्ति करते हैं। और इस मंदिर में बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आई है इनके दर्शन के लिए। और पूरे विश्व में बात की जाए तो इनके 108 आश्रम है, जो कैंची धाम आश्रम है ये मुख्य आश्रम है इनका। ऐसा कहते हैं कि बाबा नीम करोली जी यहाँ पे आए, उन्होंने भगवान हनुमान जी की उपासना की, तपस्या की, जिससे उनको बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई और इस कारण उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे चमत्कार किए। पहले ये मंदिर इतना फेमस नहीं था, बट धीरे धीरे करके ऐसे चमत्कार होते गए और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती गई तो ये मंदिर में अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सो गाइज, अगर आप नैनीताल आए तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करने आना। यहाँ पे आके आपको बहुत पीसफुल, बहुत शांति मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि इस मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ता है, लेकिन जो श्रद्धालु होते हैं वो प्रसाद लेते हैं और बस मंदिर में टच करके उनको वापस दे दिया जाता है। और दर्शन करने के बाद आपको ये चने का प्रसाद यहाँ पे दिया जाएगा। ये आ गए हैं दर्शन करते करके। कैसे रहे दर्शन आप लोग के? दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत मन को बहुत शांति मिली। हमने वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा, चिकुन भी पढ़ा। अच्छा, ओके, चलो दोबारा कभी आएंगे जरूर यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, स्पिरिचुअल जगह है काफी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भी बाबा नीम करोली के ये मंदिर के बारे में पता चले और यहाँ पे दर्शन के लिए वो आए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।